एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग दोपहर में मार्केटिंग करने निकले थे क्योंकि जीव और चित्रांश सो गए हैं, सुला के आए थे उनको और कुछ जरूरी सामान लेने थे घर के भी। Your Bolero is running on reserve fuel. तो बस मार्केटिंग करने निकले हुए हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह भी लेने हैं और जीवा के लिए आइसक्रीम वगैरह भी लेके आनी थी। गर्मी बहुत है जिस कारण से एसी फुल पे चल रही है, इस कारण से शायद हो सकता है वॉइस ठीक से ना सुनाई दे रही हो आप लोगों को या कुछ नॉइस आ रही हो, उसके लिए सॉरी। चलिए फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या मार्केटिंग की हम लोगों ने आज धूप में, भरी दोपहर में। चलिए मिलते हैं आपसे, सामान दिखाते हैं फिर क्या क्या लाया आज। बिंदी लगा के चलोगे ऐसे? हाँ हाँ, लाओ निकाल दें। नहीं निकालना है, लाओ निकाल देते हैं। लाओ अच्छा, फ्रॉक तो उतार दो। अच्छी नहीं लग रही है ये फ्रॉक, नहीं अच्छी लग रही ना, नहीं अच्छी लग रही है तो उतार दो। चलो चलो फ्रॉक उतार दो। अच्छा टी शर्ट पहनोगे? टी शर्ट पहनोगे पहले बता। अरे डॉगी बाद में बताना, पहले गंदी बात। अच्छा आ जाओ, हम फ्रॉक उतार दे। दादी किधर है? दादी डॉगी डॉगी बम बम किया है? कब किया? उधर किया है? हाथी भी बम बम किया? अच्छा खड़े हो, खड़े हो के फ्रॉक दिखाओ, खड़े हो जाओ जल्दी से। वेरी गुड। और बिंदी तो निकाल दो। नहीं निकालोगे? ऐसे ही लगा के जाओगे? ठीक है, यही फ्रॉक पहन के जाओगे? और छोटा छोटा ये शैतानी चल रही। गिर जाओगे। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आज एक शादी में जाना है, मेरे छोटे भाई की शादी है। अंकल है पापा के फ्रेंड, हम लोग बचपन से ही साथ में थे बट अभी फिलहाल सब अलग अलग हैं जॉब के कारण से, और इसलिए मिलना भी ज़्यादा नहीं हो पाता। बहुत दिनों बाद मिलना भी होगा अंकल की फैमिली से। बस हम लोग सबको शादी में रेडी होके जा रहे हैं और आज जीवा जी मेरी फ्रेंड है रश्मि दी, उनकी दी हुई फ्रॉक पहनी है, वो थोड़ी सी टाइट पड़ रही बट उतार नहीं रही है बिल्कुल भी, बोल रही है मैं यही पहन के रखूँगी और परेशान करके रखी है। चलिए तैयार हो जाते हैं, जल्दी से रेडी हो जाते हैं सबको, आपको दिखाते हैं फिर आउटफिट क्या क्या पहने हैं, क्योंकि जीवा के होने के बाद मेरे आउटफिट सारे तो अलमारी में पैक रखे हुए हैं, होते ही नहीं है। अब देखती हूँ क्या डालती हूँ। चलिए मिलते हैं तैयार होने के बाद। सबको तैयार करते करते रात में 10 बज गए हैं, बहुत लेट हो गया है और मैं डांट भी खा रही हूँ पापा से। सो चलते हैं शादी में, इंजॉय करते हैं और आपको शादी भी दिखाते हैं। मैंने आउटफिट में बस ऐसे ही नॉर्मली कुर्ती डाल ली थी और दुपट्टा ये ब्लू कलर पे पड़ रहा है। और बताइएगा कैसे लग रही हूँ आप लोग। चलिए मम्मी को भी दिखाते हैं, मम्मी का आउटफिट, जीवा का और सबका आउटफिट दिखाती हूँ, सभी को ही मिलते हैं। चलिए दिखाती हूँ आपको और शादी में मिलते हैं, एंजॉय करिए आप भी। ये है मम्मी, मम्मी ने बिल्कुल लाइट वेट वाली जो बनारसी आती है वो डाल के रखा है, सिफोन बनारसी, नहीं कौन सी बनारसी है ये, बनारसी
और छोटा सो गया है भाभी की गोद में। चलिए दिखाती हूँ जीवा को कहाँ गई। पापा भी रेडी हो गए। ये है जीवा। अरे गुदी गुदी। अरे आज गोदी, जीवा और नन्ना एक जैसे हैं। जीवा जी जाके बैठ गई है नन्ना की गोदी में। जीवा ने शादी में खूब इंजॉय किया। हम लोग भी इंजॉय किए, खाए पिए, मस्ती किए, सबसे मिले। हालांकि शादी में अंकल आंटी व्यस्त थे ज़्यादा, तो ज़्यादा टाइम ना हम लोगों ने लिया और ना ही वो दे पाते, इसलिए हम लोगों ने भी फोर्स नहीं किया। इन फ्यूचर कभी फिर मिलना होगा। जीवा ने खूब मस्ती की। डांस करना था जीवा को, लेकिन अकेली थी इसलिए ज़्यादा डांस नहीं की। और साउंड हमने थोड़ी कम करा दिया था जैसे कान में इफ़ेक्ट ना पड़े। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है, जीवा की एक्टिविटी और चित्रांश की एक्टिविटी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, जैसे